मेरा स्वागत है अयोध्या में। मैं अभी भाई विजय सिंह लोगों से मिल पाया हूँ और मुझे तो फिलहाल दोस्तों यार हम पहुँच चुके हैं एक मार्केट पे रुके ढाबे पे आए थे, जो कि हमने यहाँ पर पहुँच चार चुके हैं मस्टर बजा और 8 दिन में हम कवर करेंगे। 8 दिन का टारगेट है हमारा। हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अयोध्या में आकर और आए और हमसे मतलब टाइम निकाल के हमसे मिले। यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ये यहाँ जा रहे हैं हम, देखो हरिद्वार 625 किलोमीटर है। ऑल इंडिया ट्रेवल पे निकले हैं ना, पैदल यात्रा बहुत बड़ी बात है भाई। यहाँ हम लोग 10 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, ये लोग 3000-4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। हमारा जो टारगेट है आज श्री राम के नाम से हम और महादेव के नाम से चलते हैं आगे की ओर। आज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए निकल रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो रात को हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त स्कैम हो गया था, जो कि यहाँ बाबा लोगों ने हमारे साथ क्या ही किया, मतलब यार क्या ही बताए, वीडियो देख के पता लग गया होगा। और रात में फिर उसके बाद ये गंगा नदी जा रही है और यहाँ पर रात को हमने कैंपिंग लगाया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमने एपिन हाथ हो के एकदम मस्त तरीके से, और उसके बाद अभी यहाँ से निकलना, हमने कैंपिंग एपिन खोल के उसके बाद फिर निकलना एकदम एपिन नहा के ही मैं बस जस्ट अभी मतलब ब्लॉग शुरू करा और सामने से धूप भी आ चुकी है और टाइम हो रहा है अभी 7:00 बजे, बस 7 बजने वाला है। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, एक तो नहा रखा था उसकी वजह से भी नहीं बोला जा रहा है। तो निकलते हैं फुल पार यहाँ से, फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो दोस्तों यार, हमने फ्रेश होने के बाद और हम जा रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है, और निकल रहे हैं। हमने अपना कैंपिंग खोल के रेडी हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कोहरे से मतलब कैसा हो गया, देखो कोहरे से कुछ भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा लग चुका है। पानी के साथ ये वो भी आ रहा है, देख रहे हो ये। तो काफ़ी हमने बैग है अपना, जो बैग था सामान था वो पैक कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अरविंद भाई रहे और हमने अपना बैग पैक कर लिया, दोनों झंडा और स्लीपिंग बैग डालने मैंने ऊपर में, बस चलते हैं फिर फुल पावर यहाँ से। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद सीधे अयोध्या आ गए हम, अयोध्या को रोड जा रहे हैं, चलो निकलते हैं यहाँ को फुल पावर। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर, और जो कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हमारे पास बैग है सामान है तो ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, तो सामने तक जाएंगे हम, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से फुल पावर। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, आज हमारा जो टारगेट है आज श्री राम के नाम से हम और महादेव के नाम से चलते हैं आगे की ओर। आज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए निकल रहे हैं हम, जो कि आज से हमारा जो लिफ्ट गाड़ी में पैदल जो चलते थे हम उससे नहीं जाएंगे, ओनली पैदल चलेंगे। आज से हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट है, तो निकलते हैं यार आज महादेव और श्री राम का नाम लेते हुए, हर हर महादेव जय श्री राम। निकलते हैं फुल पावर, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए निकल रहे हैं अभी हम लोग, तो इसीलिए हम अभी मार्केट से हैं। तो इसी मार्केट क्रॉस करके हम शॉर्ट रास्ता ढूंढेंगे, जो कि हम पूरा टारगेट है कि हम 18 स्टेट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पैदल करेंगे। तो निकलते हैं फुल पावर। तो दोस्तों सीधे हम पहुंचे हैं ठेका चाय के ढाबे में, तो मिलाते हैं उन लोगों भैया लोगों से आपको, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं एक देसी ठेके चाय का जो कैफ़े है तो उस भैया के साथ आया हूँ। इस रेस्टोरेंट में मैं पहले तो नहीं जानता था, बट अभी अरविंद भाई की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे जस्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल रहे थे, तो भैया भी हम तो निकल रहे थे, बट अरविंद भाई बोले कि ये भैया आने वाले हैं, तो हम इसीलिए रुक गए थे। तो भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, भाई बोले कि मतलब हर जहाँ कोई परेशानी हो हम आपके साथ खड़े हैं, कभी भी जब चाहो 24 घंटे में से कभी भी कॉल करो तो आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत फिर धन्यवाद आपका, और अच्छा लगा मिलकर। और जो भी ये है अयोध्या वाले का इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, तो देख कर जाते हैं देखना, तो जो सब पे भाई बोलेंगे। तो भाई लोग का पहली बार स्वागत है अयोध्या में। मैं अभी भाई विजय सिंह लोगों से मिल पाया हूँ और मुझे पता चले लोग ऑल इंडिया ट्रेवल पे निकले हैं ना, पैदल यात्रा बहुत बड़ी बात है भाई। यहाँ हम लोग 10 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, ये लोग 3000-4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे, वो भी इतनी धूप में, तो बहुत बड़ी बात है इन लोग के लिए। तालियां पहले बार भाई, आप लोग इतना बहुत गट्स है, ऐसे बहुत बड़ी गट्स चाहिए इसके लिए कि आप इतना लंबा ट्रेवल करें। यहाँ लोग एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं जाते हैं, आप शहर नहीं दूसरा प्रदेश कवर कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट आप तो सब भाई से भी बोलने की कोशिश करेंगे। और हमारी तरफ से भी भाई लोग का हार्दिक स्वागत है, और यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि अयोध्या में आकर और आए और हमसे मतलब टाइम निकाल के हमसे मिले। और आप नैनीताल से हैं?
और भाई हरियाणा से हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ। इनके साथ एक भाई है और हरियाणा से हैं। आप उत्तराखंड से ना? हाँ भाई हरियाणा से हैं। तो दोनों लोग वहाँ से चल के और अभी वो लोग यहाँ मिले, अभी यहाँ से फिर और जर्नी जो होगी लोग साथ करने वाले हैं। हाँ। तो अभी हमें उन्होंने बताया। अब पूरा जितना पहले तो हमारे अभी 17 स्टेट और बसे हैं, तो उसको हम पूरा पैदल पैदल कवर हो जाएगा। जब भी कवर होगा वो कवर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अगर हम आगे को अगर कोई परेशानी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हम जो 11 और बच जाएंगे तो उनको भी हम पूरा वर्ल्ड उसके बाद पूरे इंडिया का ही कर देंगे। कोई बात नहीं, 11 और बच जाए तो इतना कर दिया तो फिर हमारे उनको भी कम्प्लीट कर, वो बात की बात है। पहले तो अभी तो एक बार इनका ही कम्प्लीट हो जाए, पहले तो इसी से एक स्टेट कम्प्लीट ही हो गए। चल रहे कोई नहीं, हो जाएगा काम। सारी बात है ना, आप लोग कर लिए हैं अभी जहाँ तक जाना है और ठीक है, सब हो जाएगा आराम से, उसमें कोई नहीं है। कोई नहीं, मतलब हर जगह सारी भाई से बात हुई थी, एक बार बात हुई थी, हमें लगता है लगभग एक महीना हो गया, लगभग बात हुई थी हमारी एक महीने पहले, तो उस टाइम पे वीडियो कॉल बात की, वीडियो कॉल लाइव पे। तो हमने कहा था भाई आइए, जो भी हमारे लाइक जो सेवा होगी, और हम बुलाते ही रहते हैं कि जो हम लोग लाए, जैसे कम से कम हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं कहीं पे, तो जो आ रहे हैं कम से कम इतनी हिम्मत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आए, जो हमारे लाइक जो सेवा होगी हम लोग बिल्कुल देंगे, जितना साथ हो सकेगा उतना साथ देंगे, और आप लोग का स्वागत है, आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं ठेका देसी चाय वाले जो भैया थे तो उनके पास में हूँ, मैं अभी उन्हीं के कैफे पे हूँ, और जो कि हमारा अब यहाँ से हमारा आज 22 तारीख को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए निकले थे हम अयोध्या से, तो आज हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं जो कि अरविंद भाई हर साल उनके साथ होली मनाते आ रहे हैं, तो वो कौन है आप लोगों को मैं बताऊँ कि तो उनको उन्होंने हमको बुला रखा है ये हरिद्वार पे, तो अभी इस बार हम हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं अभी, और इस टाइम पे हमने अपना बैग भी पैक करा दिया है, और बैग दिखा देते हैं आप लोगों को, और जो कि इस बैग में है आधा अरविंद भाई का सामान है तो आधा मेरा सामान है, जो कि हमने दोनों का बैग, मैं एक ही सामान एक ही बैग लेके जा रहे हैं, और मेरे बैग में जो मतलब आउट सामान है, तो जैसे ये स्मोकिंग बैग है, ये कैंपिंग है, तो हम एक ही कैंपिंग में दोनों भाई रहेंगे अब से, और ये बैग हम इधर ही छोड़ के जा रहे हैं, आउट सामान हमने सब कुछ इसमें डाल दिया है, तो अब मैं एक अपना बोर्ड लेके जा रहा हूँ बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके जा रहा, और ज़्यादा मतलब आज से हमारा मिशन यही हो गया कि हम जहाँ भी जाएंगे पैदल ही चलेंगे, बस जहाँ भी जाएंगे तो पैदल ही चलेंगे, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड चलते रहेगा। वो जो हमने वो चला रखा है उसके लिए हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या कहते हैं ऐप निकाला है, जो कि हम कितना किलोमीटर चलते हैं, कितना कदम चलते हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, सारा कुछ दिखाएगा, और हम बाय चांस अगर उस कहीं पे भी अगर उस ऐप में ऐसा भी होता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोगों को, आप लोग भी जाके देखो, चेक करो कैसा है क्या है। तो हम जैसे अगर यहाँ से हम 10 किलोमीटर तक गाड़ी में चले गए ना, तो मैप हमारा बंद हो जाएगा, और मैप वहाँ पर से फिर आगे हम पैदल चलेंगे ना तो स्टार्ट नहीं होगा, हमको मैप स्टार्ट करने के लिए जहाँ से हम 10 किलोमीटर गए हैं ना मैप गाड़ी में, तो वहाँ ही आना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम कहीं पर भी लिफ्ट नहीं लगेंगे, हमारा मैप शुरू हो चुका है अभी तक। हमने सुबह आप लोगों को पता है हमने कम से कम कितने किलोमीटर, 10 से 11 किलोमीटर आसपास हमने कवर किया था, तो इसलिए अभी हमारा प्लान एक्चुअली हमारा कोई वो बड़ा प्लान नहीं था कि हम इतना वहाँ जा पाएंगे, लेकिन तो फिलहाल दोस्तों यार हम निकल चुके हैं वहाँ से फाइनली, और मेरे पास बैग है कुछ नहीं, बस एक ये छोटा सा बैग है जिसमें मेरा सारा सामान है, ज़्यादा अरविंद भाई के बैग पे है, और तो ठंडा अंडा सब अरविंद भाई के पास है, और सामने का क्या नज़ारा दिख रहा है यार भाई, हुआ और अब इतनी खुशी हो रही है क्योंकि हरिद्वार जा रहे हैं अब हम यहाँ से, क्योंकि पैदल पैदल जाएंगे, और कम से कम हमने 8 या 9 दिन में पहुँच जाएंगे हम, करीबन 8-10 दिन मान के चलो कि हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे, और कम से कम हमको डेली का कवर करना पड़ेगा, 70 से 80 किलोमीटर डेली चलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा तबाही होने वाली, फुल मज़े फुल इंजॉय करते हुए। या तो फिलहाल दोस्तों यार यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं हम, देखो हरिद्वार 625 किलोमीटर है यहाँ से, तो हरिद्वार जा रहे हैं, इस बार हम होली हरिद्वार में खेलेंगे फुल पावर भाई के साथ, फुल मज़ा आ रहा है, जो कि हरिद्वार 625 किलोमीटर बचा है, और 8 दिन में हम कवर करेंगे, 8 दिन का टारगेट है हमारा, तो 8 दिन में या 8 या 10 दिन में टारगेट है हमारा, तो 8-10 दिन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, हरिद्वार पहुँचेंगे। हल्द्वानी पहुँचने के बाद रोहित भैया को हमने फ़ोन कर लिया, कि रोहित भैया को भी बोल दिया कि हम हरिद्वार आ रहे हैं और हल्द्वानी से होते हुए निकलेंगे, तो आपसे भी मिलना है करके बोला, तो रोहित भैया से रोहित भैया बोल रहे ठीक है पक्का मिलेंगे करके, तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं हरिद्वार, 625 किलोमीटर बचा है, क्योंकि सामने में 625 किलोमीटर। तो फिलहाल दोस्तों यार हमने यहाँ पे एक
ढाबे पर आए थे, जो कि हमने यहाँ पर फ़ोन चार्ज किया मस्त तरीके से, और थोड़ा बहुत हमने फ़ोन चार्ज कर दिया और टाइम हो चुका है 5 बज चुका है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की ओर, आगे मिलते हैं फिर सीधे मस्त तरीके से। हमने थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज कर लिया, वो कर लिया पावर बैंक चार्ज कर लिया, फिर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों यार हम पहुँच चुके हैं एक मार्केट पे, रुके हैं शाम को मार्केट है, इस मार्केट पे रुके हैं। तो हमको चलते चलते आज हम कम ही चले हैं, लेकिन आज हमको अंधेरा ही तो हो गया है। तो हमने इस होटल वाले भैया से बात की, और चूँकि ये होटल है सामने में, तो इस होटल वाले भैया से बात की, उन्होंने कहा इस गैरेज में हम रुक सकते हैं क्या, यहाँ पर हम कैंपिंग लगा सकते हैं। तो भैया ने बोला हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आप रुक सकते हो, और क्या कहते हैं, लेकिन रात में यहाँ पर तो गाड़ी आती है, लेकिन तो उन्होंने बोला जब हमारी शॉप बंद होने के बाद आप यहाँ पे कैंपिंग लगा सकते हो। तो उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक रुक जाएंगे। और तो हम यार फाइनली मतलब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कल सुबह हम यहाँ से, आज तो हमको काफ़ी ज़्यादा काम भी था, हमारा कोई हो रहा था तो हमको उन पर सेटिंग करवानी थी, तो हमने सेटिंग वेटिंग करवा के सारा काम कर चुके हैं। और मैंने जो अपना बोर्ड था, तो बोर्ड भी रहा मेरा, जो कि मेरा पीछे से बोर्ड के पीछे लिखा था लिफ्ट प्लीज, तो वो बोर्ड हटा दिया है मैंने, हटाया नहीं है, बट उसके पीछे ये वाला बोर्ड मेरे को किसी ने बनवा के दिया था, ये पेज बनवा के दिया था किसी ने, और ये मेरा वही पुराना वाला है, तो इसी पेज के पीछे मैंने ये पीछे भी यही वाला बनवा दिया है। और क्या कहते हैं, जो कि इसके पीछे लिफ्ट प्लीज वाला था, तो मैंने उसको बंद कर दिया, जो कि ताकि लोग आज, बोर्ड भी सारा काम हो चुका है, बोर्ड भी बन चुका है, मेरे कपड़े भी सारे रेडी हो चुके हैं, और क्या कहते हैं, और मेरे सारे काम ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। तो कल सुबह हम यहाँ से एक नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और इसी जगह से मिलेंगे, कुछ रखा है कि 6 बजे निकल जाएंगे। कल हमको कम से कम 90 किलोमीटर के करीब ट्रैवल करना है, क्योंकि हमने क्रॉस करना है 90 किलोमीटर करीब क्रॉस करना है, कल को कैसे करके भी अब पता नहीं, एयरबिन बाइक पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास तो बैग भी नहीं है, एयरबिन बाइक के पास बैग है तो उन पर डिपेंड करता है भाई, उनका मेरा सामान उनके पास है, तो इसीलिए डिपेंड उन पर करता है, वो कितना चलते हैं कहाँ तक चल पाते हैं, तो वही डिपेंड करता है। तो मिलते हैं फिर यार, चलो एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ मस्त तरीके से मिलेंगे आप लोगों को, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा कैंपिंग हम सारा सुबह दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो 9:30 बजे के करीब कैंपिंग लगाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है, आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्द से एक और नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।